शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बूढ़ी बरोद की महिला सरपंच सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत बूढ़ी बरोद के रोजगार सहायक द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है, जिससे ग्राम पंचायत के हितग्राही परेशान हैं। शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। रूपवती बुढ़ी बरोद से सरपंच। क्या समस्या रही है? हमारे काका डिमांड नहीं डाल रहा, कौन नहीं डाल रहा? सिज्जय सिंह रावत सेक्रेटरी सेक्रेटरी। तो कोई काम नहीं हो रहा गांव का? कुछ नहीं हो रहा। गांव वालों की क्या समस्या है? मास्टर ने भी काका जीरो कर देता है वो। तो पैसा कौन क्यों खाते में डाल रहा? गांव वाले इनके डरता है। दूसरे के कब से परेशान कर रहा है? 5-6 महीने हो गए जब से करता है। किस शिकायत करी है आपने पहले? एक बार गए थे हम जनपद में, कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं। नाम क्या तुम्हारा? बंसियाम। कौन से गांव से आए हो? बुढ़ी बरोद। क्या समस्या हो गई गांव में? सेक्रेटरी समस्या पूरी परेशान कर रहा पूरी पंचायत है। क्या नाम है सेक्रेटरी? जय सिंह। क्या परेशान कर रहा है? कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। राशन वासन की परेशानी आती है? राशन वासन ही कुछ नहीं आ रही। वो राशन वाला तो मिल रहा होगा। तो काय की परेशानी आ रही है? अरे और कोई काम भी होती है नहीं करने, कुछ भी नहीं बन रहा। कुटीर के ना सब काम में रोक लगा है। वो तो राशन कार्ड बने हैं तो बिन्ने भी पर्ची नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ परेशानी पूरी पंचायत परेशान कर रहा है। वो तो मेला यावरण। कौन सा गाँव के हो? पाटकिरा बुढ़ी बरोद। तो क्या क्या समस्या लेके आए थे आप? वो कुटी के पैसा थे, मजदूरी के भी नहीं मिले। कुटी भरवाई आपने? हाँ। कितने पैसे आए अभी तक? मजदूरी के नहीं मिले, बस लेबर वाय। उसमें तो किस्त आती है तुम्हारी कुटी में? हाँ। नहीं आए। सेक्रेटरी क्या बोलता है? नकाद देंगे। कौन सा सेक्रेटरी हुआ? जैसी सेक्रेटरी है। हाँ। नकाल तो नहीं है? नहीं नकाल।